पे आप किसी भी ऐसी न्यूज, जो भी इस तरीके की न्यूज चला रहे हैं, और इस तरीके के काफी सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऐसा अपना एक अलग ही थ्योरी लेके आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे बातों में बिल्कुल मत आइए। और यहाँ पे देखिए, खुद समझिए, यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जितने भी लॉज बताए हैं, इनमें क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उनमें जो यहाँ पे लेबर लॉज में जो हमारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे जो बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं, इन फ्यूचर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भी जो हमको लेबर लॉज है उनमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है क्या, उसके बाद में यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो लेबर लॉज होते हैं वो होते क्या हैं यहाँ पे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से जो लेबर लॉज है उनको सस्पेंड किया गया है, और कौन से ऐसे लेबर लॉज है जिनको सस्पेंड नहीं किया गया है। उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, ये जो एक्शंस यहाँ पे जो लिए जा रहे हैं, ये क्यों लिए जा रहे हैं, इनका रीज़न क्या है जो हमको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि उसके क्या क्या यहाँ पे फ़ायदे हो सकते हैं, और क्या क्या यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमको नुकसान देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे न्यूज़ है क्या, जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, 3 साल के लिए जो लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लेबर लॉज को सस्पेंड किया है, यहाँ पे हमारे जो 3 लेबर लॉज हैं और एक चौथा एक लेबर लॉ का जो एक सेक्शन है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया है। देन जो हमारा मध्य प्रदेश हो गया, उन्होंने भी 1000 डेज के लिए जो हमारा यहाँ पे लेबर लॉज है उनको सस्पेंड किया है। हाँ, उन्होंने कुछ थोड़े से डिफरेंट लॉज को सस्पेंड और यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट हर सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद गुजरात ने भी यहाँ पे बोला है कि हम भी ये एक्शन जो है जल्दी लेंगे, और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है कि जो ये लेबर लॉज को सस्पेंड किया जा रहा है ये ऑल ओवर द कंट्री जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ सबसे पहले कि हुआ क्या। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बात यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट से। आपको जब मैं अगर यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का पूरा सिनारियो बताऊंगा तो आपको ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे सिनारियो चल के आ रहा है ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं वो यहाँ पे, जो कि उन्होंने यहाँ पे अपनी गवर्नर जो है आनंदीबेन जो पटेल है उनके पास यहाँ पे दे दिया है अभी, और जल्दी क्या हो जाएगा यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगा उनकी तरफ से। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑर्डिनेंस क्या चीज़ होती है। ऑर्डिनेंस हमारा सिंपली क्या होता है, एक यहाँ पे हमारा एक रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। तो जिस टाइम पे हमारा यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, क्योंकि वो तो कहीं भी किसी भी स्टेट की यहाँ पे चल नहीं रही है ड्यू टू कोविड-19, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेके आया गया है जो कि हमारा क्या होता है, गवर्नर गवर्नर के पास जाता है, और यहाँ पे गवर्नर जो है वो उसकी परमिशन यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि लेबर लॉज, ये जो ऑर्डिनेंस है ये है यहाँ पे रिलेटेड लेबर लॉज से। अब देखिए, लेबर लॉज क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे लेबर लॉज हमारे कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कि लेबर्स जो होते हैं उनके फेवर में यहाँ पे लॉज रहते हैं, और इनको इनकी इनको यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इनको। अब आपके माइंड में यहाँ पे ये आ रहा होगा कि देखिए, लेबर लॉज जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है जो कि लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए हुआ करते थे, तो अब तो यहाँ पे जो लेबर्स है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वैसे भी ऑलरेडी जो है वहाँ पे जो हमारी लेबर्स है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, इतना एक जगह से दूसरी जगह पैदल पैदल चल के जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशंस हमको देखने को मिल रही है उनकी। तो देखिए, यहाँ पे पहले ही इस चीज़ को जज मत कीजिएगा, पहले पूरी की पूरी जो वीडियो है उसको यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये डिसीजन है ये यहाँ पे सही लिया गया है या फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक गलत डिसीजन ले चुकी है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये समझनी होगी, ये जो लेबर लॉज यहाँ पे जो ये सस्पेंड किए गए हैं, ये जो भी हमारी पुरानी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज वगैरह जितनी भी है वहाँ, और जितनी भी अभी नई अगर कंपनीज खुलेंगी उन सब के लिए ही यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लेबर लॉज थे क्या। देखिए, लेबर लॉज सिंपली कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से काफी सारे एक लॉज बनाए गए थे कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग होगी, इतने टाइमिंग पे ही लेबर्स को इतने टाइमिंग तक ही वर्क कराया जाएगा, उनको काफी सारी यहाँ पे ये फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज बहुत सारी यहाँ पे जो चीजें थी वो उनके फेवर में यहाँ पे थी। तो यहाँ पे उन लॉस को 3 साल के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि परमानेंटली, सिर्फ 3 साल के लिए यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे तो ये तो थे सिंपल से, काफ़ी सारे लॉज है इसमें, अब मैं एक एक का यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे लॉज थे जिनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन इनमें से जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉज थे और एक चौथे लॉ का जो एक सेक्शन है उसको यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया है। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा लॉ आता है उसमें वो आता है हमारे यहाँ पे बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन का एक्ट। तो देखिए, यहाँ पे बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन हमारा मतलब होता है कि जो बंधवा मजदूरी कराई जाती थी। तो देखिए, सिंपली बंधवा मजदूरी में क्या होता है यहाँ पे, कि कोई भी एक पर्सन जिसने कि अपने एम्प्लॉयर से
उधार ले लिया या किसी भी से भी उधार लिया है, तो वो पर्सन के पास पूरी की पूरी यहाँ पे राइट होता था कि वो क्या करता था, वहाँ पे जो लेबर है उससे पूरा का पूरा वर्क करवाता था। और यहाँ पे वर्क करवाना कोई एक पर्टिकुलर टाइम कोई एक फिक्स नहीं होता था, उसकी मर्जी है, वो जब तक उससे अपना काम करवा सकता है, कितना भी काम करवाए, दिन रात कितने भी उसके जो भी उस लेबर बिना वो भी बिना लेबर लॉस को फॉलो किए हुए वो उससे दिन रात काम करवा सकता है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती थी। तो सबसे पहली चीज़ ये वाला जो लॉ है ये इसको नहीं हटाया गया है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बंधवा मजदूरी वगैरह इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करवाई जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरा जो हमारा यहाँ पे है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में क्या होता है, कोई भी अगर जो हमारा एम्प्लॉय है अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है या फिर उसको कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी आपने देखा होगा कि जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे कुछ एक कंपनसेशन प्रोवाइड करती है उनकी हेल्थ वगैरह के लिए। तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उनकी अगर हेल्थ भी ख़राब है तब भी काम करवा रहे हैं या फिर उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो इस तरीके की जो वो हेल्प जो कंपनी करती थी हमारी, तो वो लॉ को भी नहीं हटाया गया, वो भी लॉ जो है वो वैसे का वैसा ही हमारे यहाँ पे रहेगा। अब थर्ड हमारा आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो एक्ट है हमारा ये बेसिकली हमारा जो जो हमारे जो लेबर्स हैं उनकी सेफ्टी हो गई, उनकी हेल्थ हो गई, इस चीज़ से यहाँ पे रिलेटेड है। तो उनकी सेफ्टी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऐसा छूट नहीं दी जाएगी कि आप उनको इतनी कोई भी एक बेकार सी कंडीशन है उसमें वर्क करवा रहे हैं जिस कंडीशन में कि उनकी हेल्थ या फिर उनकी सेफ्टी को खतरा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे पूरी की पूरी सेफ्टी, पूरे का पूरा उनका हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो लास्ट हमारा है जो कि कोई एक्ट नहीं हटा, यहाँ पे एक एक्ट का एक सेक्शन है तो वो यहाँ पे हटा गया है, वो कौन सा है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस जो एक्ट है वो भी उसका एक सेक्शन हटाया नहीं गया है। वहाँ पे कौन सा वाला सेक्शन, जिसमें कि ये रहता था कि मिनिमम जो वेजेस जो होती थी, मिनिमम जो वेजेस फिक्स करी गवर्नमेंट वो है 15,000, यानी कि कोई भी वर्कर को 15,000 से जो कम सैलरी है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे ये भी एक्ट जो है इसको नहीं, यहाँ पे सॉरी एक्ट नहीं, यहाँ पे ये जो हमारा एक एक्ट का ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को नहीं हटाया गया है। अब देखिए आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके के एक्शंस क्यों ले रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हमको फेस कर रहे हैं COVID-19 की और यहाँ पे एक्ट हटाया जा रहा है लेबर्स एक्ट का, कोई मतलब ही नहीं है, कंपनीज अब इतनी ज़्यादा चल नहीं रही है और अगर चल भी रही है तो 1/3 या इस तरीके से बहुत ही कम वर्कर्स की फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये चीज़ एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो यहाँ पे लेबर्स है उनका बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सोडस हुआ है। अब एक्सोडस का मतलब क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से किसी एक पर्टिकुलर रीजन से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। और अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि उनके पास काम नहीं था, तो काफ़ी सारे वो स्टेट से क्या करके अपने जो घर है यूपी बिहार इस जगह वो यहाँ वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मेनली क्या है, जो हमारे मैक्सिमम जो हमारी लेबर्स हैं वो यहाँ पे बिलोंग करती है हमारी उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया इस वाले रीजन से, यहाँ पे बहुत सारी हमारी जो लेबर्स हैं वो यहाँ की हैं। तो अभी क्या हुआ है, जितनी भी यहाँ पे जो लेबर्स हैं वो सब जगह से जहाँ भी वो वर्क करते थे, चाहे वो महाराष्ट्र में वर्क कर रहे हैं, चाहे बात हो वो गुजरात की, दिल्ली, नोएडा, कहीं की बात हो, वो लोगों ने क्या किया है वहाँ से वो अपने घर को आ गए हैं। तो अभी एक्चुअल में देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे लेबर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई COVID-19 सही हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे, इतनी क्या बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और हमें नहीं पता COVID-19 अभी कब तक रहेगा, क्योंकि अभी कब तक इसका सोल्यूशन आएगा, क्या चीज़ होगी, तो ये चीज़ नहीं पता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या रहेगा, जो लोग हैं काफ़ी सारे वो बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो अभी वापस नहीं जा पाएंगे किसी वजह से, तो ओवरऑल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा होंगे जो अपने वापस अपने काम पे चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वहीं रह जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार इन सारी जो जगह है यहाँ पे क्या होने वाली है, जो लेबर्स की जो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब लेबर्स की अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो भाई इनको एम्प्लॉयमेंट भी तो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये खाएंगे कैसे, अभी वहाँ पे तो इनको खाने वगैरह की सब चीज़ की इनकी कमी पड़ी है, तो यहाँ पे कैसे खाएंगे या यहाँ पे कैसे रहेंगे, अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे इस वजह से ही एक्शन लिया गया, क्योंकि अगर देखिए अगर लेबर लॉज जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो कोई भी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो वर्कर है उसको एम्प्लॉयमेंट देने में, उनको यहाँ पे 10 बार सोचना पड़ता है कि यार अगर मैं एक वर्कर को यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेबर लॉज के अंडर में आते हैं। और काफ़ी सारी जो नई कंपनीज है उनको जो सेटअप करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो यहाँ पे सोचेंगे कि यार अगर मैं एक कंपनी खोलता हूँ, कोई एक पर्सन सोचता है मैं कंपनी खोलूँ, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि
कि यार अगर मैं कंपनी खोलता हूँ तो ये लेबर्स के इतने सारे एक्ट है, मुझे ये लगाने पड़ेंगे और इसमें तो मेरा इतना खर्चा आएगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट वगैरह जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपनी की। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि जो कंपनीज हैं उनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। ऐसा भी नहीं है, अब यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी और वो कुछ भी करेंगे लेबर्स के साथ, बिल्कुल नहीं है ऐसा। यहाँ पे बिल्कुल जितने जो हमारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्ट है वो तो सारे के सारे वहीं के वहीं पे हैं, बस थोड़े बहुत। और अगर उनसे एक्स्ट्रा जो आवर्स हैं, अगर मान लीजिए पहले 8 आवर्स जो टाइम रहता था, अगर उनसे 10 आवर्स या 12 आवर्स अगर वर्क कराया जाता है तो वहाँ पे उसको पेमेंट भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो ये एक्ट्स को जो यहाँ पे जो लेबर एक्ट्स हैं जिनको ये हटाया गया है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी अब मर्जी के बिना कुछ भी करवा लेंगे। उनकी मर्जी होगी तब जाके उतना वो काम करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर उनकी मर्जी भी है तो, लेकिन एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ सेट करी रहती थी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कि मैं इतना काम कर लूँगा तो ज़बरदस्ती तुम भी कराए जा रहे हो, नहीं, एक पर्टिकुलर रूल है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर वो पर्सन रेडी है कि हाँ भाई मैं ये काम कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 12 घंटे काम करने में, तो वो अभी क्या होगा उससे ईजिली करवा सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन अगर वहां पे वो मना करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे जबरदस्ती कराई जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी एक्ट में यहाँ पे जो ये हटाया गया है, तो इसमें कोई भी इस ऐसी कुछ बुरी बात ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ इसलिए की गई है कंपनी को थोड़े से यहाँ पे छूट मिले, काफ़ी ज़्यादा जो बाहर से जो कंपनीज है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए होता क्या था, अभी काफ़ी सारे इतनी सारी यहाँ पे हमको लेबर एक्ट इतने सारे थे कि बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा डरती थी कि यहाँ पे यार लेबर लॉस थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें हमको लेबर्स को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट एक और जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी वो मिलती थी कि अगर मान लीजिए कंपनी किसी ने सेटअप कर भी दी तो वो लोग क्या करते थे कि वो ट्राई करते थे कि यार हम यहाँ पे जिससे बढ़िया यहाँ पे 4 या 5 लेबर को रखेंगे, इससे बढ़िया वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या करते हैं एक मशीन खरीद के लेके आते हैं जो कि वही काम करेगी जो कि ये लेबर्स यहाँ पे कर रहे थे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट हो रहा था, क्योंकि अगर वो मशीन वहाँ पे लेके आ जाएंगी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगी तो इतने सारे जो लोग हैं वो तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो कंपनी अब क्या होगा इस तरीके का नहीं सोचेगी, क्योंकि कंपनी देखेगी कि यार मशीन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोई इस चीज़ के लिए तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा यहाँ पे कर वो करना पड़ रहा है, ज़्यादा यहाँ पे वो है। लेकिन अगर वहीं मैं लेबर को अगर यहाँ पे हायर कर लूँ तो यहाँ पे इस चीज़ की यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लेबर लॉस तो अभी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं। एक और जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी कि जो हमारी कंपनीज थी वो लेबर्स को हायर तो करती थी लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करती थी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्यों हायर करती थी, क्योंकि अगर जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करने के मतलब क्या होता था कि उनकी मर्जी है, जब वो एक पर्टिकुलर टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे और इतने टाइम बाद उस पर्सन को हटा देते थे, और अगर उनको चाहिए होता था वो पर्सन जॉब पे तो वो क्या करते थे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे रिन्यू कर देते थे। तो यहाँ क्योंकि लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट थे, अभी क्या हो गया लेबर लॉज थोड़े से कम स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी है कि लोगों को परमानेंट यहाँ पे पर्टिकुलर एक जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात है इस चीज़ की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनीज जो है उनको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, बस उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो इसका ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने में लगे हुए हैं और बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज अपनी लेके आ रहे हैं, तो जिसमें कि वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तो लेबर्स के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो लॉज है यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ वो बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये वो जस्ट ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो ये कर देंगे तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज पे नहीं चल सकते कि पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज तो हर चीज़ की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कुछ भी बनाई जा सकती है जो इवन हमको हो सकता है हमको फ्यूचर में फेस करने को भी ना मिले और वो भी कोई पॉसिबिलिटी हमको गिनवा सकता है। लेकिन हमको चलना होगा यहाँ पे लॉज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लॉज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी गलत यहाँ पे नहीं किया गया है। हाँ पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग तो कोई कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी बना सकता है, तो यहां पे उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ अगर इन फ्यूचर इन लॉज को हटाने की वजह से किसी अगर लेबर के साथ इस तरीके की अगर गलत कोई काम हो रहा है या इस अगर वहां पे उसको जो प्रोटेक्शन है उसको प्रॉपरली नहीं मिल रही और स्टिल जो हमारी गवर्नमेंट है अगर वो वहां पे फिर एक्शन नहीं लेती है तो यहां पे मानी जाएगी कि हाँ यहां पे गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने जो लॉज हटाए हैं उनका पर्टिकुलर बिल्कुल एक जेन्युइन रीजन है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आप किसी भी ऐसी न्यूज जो भी इस तरीके की न्यूज चला रहे हैं और इस तरीके के
के काफी सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल्स है जो ऐसा अपना एक अलग ही थ्योरी लेके आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे बातों में बिल्कुल मत आइए। और यहाँ पे देखिए, खुद समझिए यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जितने भी लॉज बताए इनमें क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि जितना मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो समझाया है, इसको सुनने के बाद आपका जो यहाँ पे ओपिनियन है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ये जो एक्शन ले रही है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप मुझे इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और काफ़ी सारी जो आप अपने आसपास जो अफवाहें यहाँ पे सुन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।